Disclaimer, this video is for education purpose only. We don't provide any tips. Good evening to all of you. आज का जो सेशन रहेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस रहेगा कि जो लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको करना क्या है, आखिरी तक करना क्या है, रोज करना क्या है, एक ही सेटअप देखना है, एक ही चीज देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, उसके ऊपर है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करते हैं। तो इंट्राडे में हमको करना क्या है, जैसे इंडेक्स में करते हैं ना, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो अल्टीमेटली हमको करना क्या है। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ, बट वही बोलूँगा कि जो लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हटना नहीं है, है ना। हर दिन हम सेटअप बदलेंगे ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो एक ही सेटअप है CPR, और CPR के साथ RSI का कन्फर्मेशन चाहिए, वाइडर CPR है, उस दिन हमको बॉलिंजर बैंड यूज़ करना है ना। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कल का CPR कैसा है आप लोग बताइए? नेरो है, बट एक चीज को ऑब्जर्व किए हो? हाँ, ये बहुत अच्छा चीज आपने ऑब्जर्व किया कि आज का अगर R1 और S1 का बीच का गैप देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में कल का R1 और S1 का गैप ज्यादा है, तो कल ज्यादातर संभावना ये रहेगा कि ट्रैप करेगा, मतलब ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से R1 प्रीवियस डे हाई जो है वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा और नीचे S1 प्रीवियस डे लो, तो इसी रेंज में रहने की संभावना ज़्यादा है कल का। तो हमको पहले से क्लियर है कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं सर, नहीं। हाँ अजीत भाई पूछिए कुछ। आज हम देखेंगे तो नेरो CPR है, इट इज क्लियर, है ना। नेरो CPR है, नेरो CPR है मतलब मोमेंटम फास्ट होगा, मतलब ऊपर की ओर भी फास्ट होगा, रिवर्स भी होगा ना, तो ऑल ऑफ अ सडन रिवर्स होगा, मतलब ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर ये R1 प्रीवियस डे हाई अगर हम इसको एक्सपांड करें ना तो आपको दिखेगा टू डिफरेंट लाइन है यहाँ पे, लेकिन नेरो होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मल चार्ट लगाते हैं तो कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है। तो आज अगर देखेंगे तो आज के रिस्पेक्ट में क्या है, R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इन दोनों का जो बीच में गैप था वो कंपेरेटिवली कम था, कल गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा है मतलब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, संभावना ज़्यादातर यही है, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, मार्केट में एकदम से ऊपर की ओर मूव आएगा, फिर कभी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन फॉल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कंडीशन में देख लेना कि नेरो CPR के बावजूद भी ट्रैप कैसे होते हैं, या तो एकदम से गैप अप हो जाए R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर, स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो जाए तो फिर वो मोमेंटम आ जाएगा, बट अगर R1 प्रीवियस डे हाई या S1 प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं जाता है, बीच में खुलता है ना, तो बीच में ट्रैप कर सकता है। तो कल जो भी ट्रेड करेंगे वो सेटअप को देखते हुए करेंगे। तो सेटअप में हमको क्या देखना है, जैसे आज का अगर हम देख लेते हैं, आज का क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, कैंडल नीचे की ओर आया और S2 के पास आने की कोशिश किया, बट S2 को टच नहीं किया, और उसके बाद फिर धीरे 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 यहाँ आया। ये कैंडल आप देखोगे तो ये क्या किया, डेज ओपन के ऊपर में ब्रेक कर दिया, तो ये पहला इंडिकेशन दे दिया था कि ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकता है, और उसके बाद जैसे ये S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर गया है तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया था कि ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप RSI का क्रॉस ओवर भी देखेंगे तो RSI का क्रॉस ओवर एक अच्छे एंगल के साथ था, तो यहाँ पे ही सिग्नल मिल गया था कि हमको बाइंग साइड में ही जाना है, तो ये इस कैंडल पे भी बाइंग किए रहते तो एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता, ठीक है। तो निफ्टी के केस में आपको क्लियर था कि ट्रेंड ऊपर की ओर रहने वाला है, है ना, डाउन साइड खत्म हो गया क्योंकि डेज ओपन के ऊपर ही दिन भर रहा है, और R1 प्रीवियस डे हाई पे ही जाने के बाद रिजेक्ट हुआ है, तो ये भी आपको पता है कि R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होगा तो कहाँ आएगा, दोबारा CPR पे आएगा, है ना। तो
रेंज के अंदर था, रेंज के अंदर में हमको सिर्फ सीपीआर ट्रिक लगाना था, S1 प्रीवियस डे लो इससे ऊपर निकलेगा तो हमारा सीपीआर जाएगा पहला टारगेट, तो यहाँ पे आरएसआई का कंफर्मेशन ले लेना था और उसके बाद ये चला गया। अब जब एकदम से लो आरएसआई से 60 गया है तो वापस वो टच करने आता है, मैं बोलता हूँ कई बार, है ना, तो ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ये 60 के ऊपर निकला है तो ये कैंडल फिर से एंट्री दे रहा था, फिर आपका टारगेट होना था R1 प्रीवियस डे हाई। इस बीच में आपको कॉल साइड में नहीं जाना था क्योंकि अल्टीमेटली कॉल साइड का तो पोजीशन बन रहा था कि ट्रेंड तो ओवरऑल अपवर्ड है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो SMA के नीचे था तो यहाँ पे अवॉइड करना था हमको ट्रेड को इस एरिया में, ठीक है। और कंफर्मेशन कब दिया देखो, 60 का एंगल को ब्रेक किया ये वाला कैंडल, ये कैंडल ने कंफर्म कर दिया था कि ये तो कंफर्म R1 प्रीवियस डे हाई जाएगा, है ना। तो इसी को अगर हम ऑप्शन के चार्ट पे देखेंगे तो जो एट द मनी का कॉल पुट का कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो पुट में जो पहले कैंडल में पुट लिया होगा उसको तो पुट में प्रॉफिट दे दिया, R2 लेवल चला गया पुट के प्राइस पे, एट द मनी का है ना 25,500 का पुट, और इधर पे हमने कॉल लगाया था 22,400 का, तो पहला कैंडल के हिसाब से तो रिएक्ट किया और S2 पे सपोर्ट लिया, S2 पे सपोर्ट लिया और उसके बाद क्या हुआ कि वो S1 प्रीवियस डे लो पे चला गया, S1 प्रीवियस डे लो पे स्वाभाविक है जब एकदम से एक ही कैंडल वहाँ पहुँचा है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही अगर आप देखोगे इसी कैंडल में तो यहाँ पे ये जो RSI है वो SMA को क्रॉस कर दिया था सॉलिड एंगल के साथ, तो ये भी बोल रहा था कि अगर अपसाइड का ही पोजीशन बनाना है और अगर स्कैल्पिंग भी करना है तो अपसाइड का पोजीशन बनाना है। अब यहाँ पे सीधा वन वे ऊपर गया है तो स्वाभाविक है कि कंसोलिडेट करेगा या वापस SMA के लाइन पे आएगा, SMA के लाइन के बाद से फिर से जो निकला है यहाँ पे आप देखोगे तो फिर इस कैंडल पे एंट्री दिया है, फिर ऊपर गया है 60 पे, फिर 60 के पास से कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। तो कभी भी कोई भी ट्रेड लेंगे चाहे वो स्कैल्पिंग लें या लेवल टू लेवल करें, तो जैसे यहाँ से S2 लेवल आया, अगर आपको लेवल टू लेवल करना है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पैटर्न आपको दिख गया था कि यहाँ से रिवर्स होगा तो इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता 44 रुपीस का, आपका एंट्री होता 54, 10 रुपीस का स्टॉप लॉस होता और टारगेट आपको ये रखना था। और जब वन वे ऊपर गया है तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कंसोलिडेट करके निकला है, तो कंसोलिडेट करके निकला है तो आपका फिर से एंट्री बन रहा था यहाँ पे कॉल साइड में इस कैंडल से, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेना था, यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं लेना था क्योंकि जब वन वे जब RSI 20 से सीधा 60 पहुँचा है तो स्वाभाविक है करेक्शन आएगा, ये करेक्शन कन्फर्म था हमको, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर गया तो यहाँ पर कन्फर्मेशन दे दिया था इस कैंडल ने, ठीक है। आप चाहो तो इस कैंडल को ले लो या इस कैंडल को ले लो, जैसी S1 प्रीवियस डे लो का जो जोन है, अगर इसको हम जोन मार्क कर दें, इसको अगर हम जोन मार्क कर दें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर में कैंडल बना है, यहाँ पे फॉल्स कैंडल जो दिख रहा है, फॉल्स नहीं बोलेंगे इसको, ये गया है लेकिन ये फेल होगा करके हमको पता था क्योंकि RSI 20 से वन वे 60 गया है, तो 20 से वन वे 60 गया है मतलब थोड़ा सा कंसोलिडेट नेचुरली करेगा। इस कैंडल के बाद हमको ये मूव पता था कि ये करेक्शन होगा, तो इसमें हमको पुट साइड का पोजीशन नहीं लेना है या कॉल सेलिंग नहीं करना है, हमको वेट करना है और वेट करना है क्योंकि ट्रेंड हमको क्लियर हो गया और उसके बाद ऊपर जैसे ही ये दोबारा निकलता है S1 प्रीवियस डे लो के ऊपर तो इसी कैंडल पे एंट्री होता है, 92 का लेवल था और हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो हो जाता है 78। तो ये तो हो गया निफ्टी के केस में कैसे हुआ है मूव, तो हमको हमेशा ये ध्यान देना है कि जब RSI SMA के ऊपर निकले तभी हमको बाइंग साइड का पोजीशन देना है, अगर RSI SMA के नीचे है तो हमको पुट साइड में फिर चांस देखना है पुट साइड में कहाँ पे एंट्री दे रहा है। तो आप अगर देखोगे तो पुट में इस कैंडल से ही कंटिन्यूसली ये डाउन साइड का दे रहा था, है ना, यहाँ पे फिर से पुट में बाइंग दिया है तो आप देखोगे ये कुछ मूवमेंट आया है, तो जैसे ये इस कैंडल में देखेंगे तो 61 पे बाइंग दिया था RSI के कॉम्बिनेशन में और टारगेट आपका होना था नेक्स्ट CPR लेवल, तो नेक्स्ट CPR लेवल यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था S1 प्रीवियस डे लो, ये हमारा टारगेट होना था। तो यहाँ से जो एंट्री बना है यहाँ पे आप देख लो RSI का एंगल भी बढ़िया है, यहाँ से एंट्री बन रहा है और एंट्री बन रहा है तो 65 के लेवल पे और 85 आपको कन्फर्म था, तो 20 पॉइंट का तो कन्फर्म टारगेट मिलना था,
तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन के प्राइसिंग को जरूर लगाना, इसमें एकदम लेवल टू लेवल बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके अलावा कुछ मत देखिए तो आप ज़्यादा सफल होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। आप बहुत सारा चीज़ देखेंगे ना तो दिक्कत होगा। सिर्फ ये देखना है कि जैसे मार्केट खुला, तो मार्केट खुला तो हमको ये देख लेना था कि नेरो सीपीआर है कि वाइडर सीपीआर है। तो यहाँ पे नेचुरली नेरो सीपीआर सबको दिख रहा था, है ना, नेरो सीपीआर है ना। अब जब S1 प्रीवियस डे लो को नीचे से ऊपर ब्रेक करेगा तो सीपीआर पहला टारगेट रहेगा, और सीपीआर के ऊपर निकलेगा तो फिर हमारा R1 प्रीवियस डे हाई। अब R1 प्रीवियस डे हाई पे देख लीजिए शूटिंग स्टार है, तो जब R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा तो सीपीआर आएगा। तो सिंपल सीपीआर ट्रिक लगाना था और ये पूरा मूव हम कैप्चर कर सकते थे। आज मैं खुद भी ट्रेड किया, आज मुझे मौका मिला ट्रेड करने का, तो जैसे ही ये इस कैंडल के ऊपर जैसे गया है, मेरा भी एंट्री यहीं था, मेरा एग्जिट इसी पे था, सीपीआर पे जैसे गया, और उसके बाद फिर ये करेक्शन होके जब दोबारा आया है तो मेरा इस कैंडल पे फिर से एंट्री हुआ। तो इस कैंडल के बाद कुछ तो लॉस दिख रहा था यहाँ पे, बट अल्टीमेटली मेरा टारगेट ये था और स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो था, तो वापस यहाँ तक गया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ठीक है 20-25 हज़ार रुपये बन गया तो फिर बार बार लड़ने का कोई मतलब नहीं है ना। तो यही है, दो ट्रेड मिला, दोनों ट्रेड मिला के ठीक ठाक हो गया। फर्स्ट ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ, फर्स्ट ट्रेड में लॉस इसलिए हुआ क्योंकि पुट का पोजीशन मैं होल्ड कर दिया था S2 जाएगा, बट वो रिवर्स हो गया, तो फर्स्ट ट्रेड में मेरा थोड़ा सा लॉस हुआ था, बट सेकंड ट्रेड में मेरा कवर हो गया, और सेकंड ट्रेड के बाद कवर होके बहुत अच्छा कवर हो गया, तो नेट नेट 25,000 का नेट प्रॉफिट ही हो गया इसमें, है ना। तो कई बार होता है कि आपका टारगेट अगर मीट नहीं करे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना S2 मीट नहीं किया है, S2 नहीं पहुँचा है ना यहाँ पे, आप लोग बताइए। नहीं सर, नहीं, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, ऑप्शन के प्राइसिंग पे क्या दिख रहा है, S2 बोल रहा है सर, वही बोल रहा हूँ। इसीलिए ऑप्शन के प्राइसिंग को ज़्यादा भरोसा करना, ऑप्शन के प्राइसिंग में पहले पहुँच जाता है और कई बार यहाँ पे फॉल्स ट्रैप कर देता है स्पॉट चार्ट देखने से। इसीलिए आप लोग के पास ये दो पार्ट में स्प्लिटेड रहना चाहिए। जो लोग निफ्टी में करता है उसको इसके अलावा कुछ मत देखो। अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो जो भी आप कर रहे हो वो कंटिन्यू कीजिए। अगर कहीं ना कहीं 19-20 हो रहा है, नई प्रॉफिट आ रहा है, तो आप इसके अलावा हटना नहीं, तब तक नहीं हटना जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए। और यही देखना कि इसमें दिखने लगेगा सारा चीज। जी 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 मैडम बोलिए। सर जो ये दो चार लगाए हैं, हमने एटीएम का लगाया है, राइट? हाँ, लेकिन हमें एटीएम का सिर्फ देखना है, लेकिन लेना आईपीएम में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एटीएम मतलब क्या है, मेरा ये बोलना है ना, जैसे ये अभी जो चार्ट लगाया ना 22,400 और 22,500, इसलिए लगाए क्योंकि 22,450 चल रहा है, इन बिटवीन 400 और 500, उसके बीच में चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एट द मनी है, इस पर भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको और प्रीमियम का डीके नहीं चाहिए तो आप इसके जगह में कर सकते हो 22,600 का पी और 22,300 का सी, वो कर सकते हो, वो आप कर सकते हो। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ये यही है ना, एट द मनी इसीलिए है कि वो निफ्टी के साथ ही रिएक्ट करता है। और चाहो तो आप थोड़ा सा अंदर कर सकते हो, जैसे कि अगर 22,550 का पी लगा सकते थे और यहाँ पे 22,350 का सी लगा सकते थे, तो जो प्राइसिंग रहता है ना वो 100 से 150 के बीच में रहता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो चार्ट जैसे अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी लगाते हैं, कॉल और पुट, तो आपको ना दोनों साइड से वेरीफाई यहीं पे हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना तो कॉल का प्राइस गिर रहा है तो वो कंफर्मेशन दे देगा, एकाध ना एकाध सीपीआर लेवल से गिर रहा होगा और दूसरा बढ़ रहा होगा एक सीपीआर लेवल से दूसरे सीपीआर लेवल जाने में। तो आपको डबल कन्फर्मेशन एक तो चार्ट पे ही मिल गया, और उसके बाद भी और अगर वेरीफिकेशन का ज़रूरत है तो RSI का SMA पे क्रॉस ओवर देख लो। इसके अलावा प्रैक्टिस मत करो कुछ नहीं, यही लगा के देख लेना है, करके देखिए ना एक महीना, रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और बहुत सारा चीज़ देखने से क्या है, डिस्ट्रैक्शन ही आएगा। कई लोग क्या होता है, FII डाटा, DII डाटा, ग्लोबल मार्केट,
ये वो बहुत सारा चीज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। उससे अच्छा कॉल पुट का चार्ट लगा लो, कॉल अगर बाइंग दे रहा है तो पुट सेलिंग का सिग्नल दे रहा होगा उस समय, और उधर एसएमए का क्रॉसिंग देख लो भाई, कॉल साइड में क्रॉसिंग है कि पुट साइड में क्रॉसिंग है। जैसे पुट में यहाँ पे आप देखोगे, पुट में एंट्री दिया है करीब 1345 को, ये 1345 को पुट में एंट्री दिया है, तो अगर यहाँ पे भी कोई एंट्री किया रहता तो 104 है, और ये गया है 104 से 170, 50 पॉइंट तो कहीं नहीं गया ना, वैसे भी 70 पॉइंट दे दिया, तो उतना तो काफ़ी होता है ट्रेड करने के लिए। तो आरएसआई का कंफर्मेशन जहाँ मिले वहाँ पे आप ट्रेड ले लो, है ना। तो जहाँ पे भी कंफर्मेशन मिले, जैसे इसी कैंडल पे अगर कोई लेता तो यहाँ पे आरएसआई का कंफर्मेशन इसी कैंडल पे था, छोटे कैंडल पे ही, तो ये बड़ा कैंडल कैप्चर कर सकते थे ना। 40 के नीचे हो तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, या करना भी है तो स्कैल्पिंग करना है और क्विक एक्शन ले लेना है, अवॉइड करना है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 40 के ऊपर आने के बाद क्या होता है, जैसे 40 के ऊपर गया तो फिर 40 मतलब एसएमए पे आएगा, फिर उसके बाद जो निकलता है ना उसके बाद मूवमेंट आता है। कभी भी एकदम लो आरएसआई से ना एकदम हाई आरएसआई गया है ना, समझ जाना वो रिवर्स होगा, और वो फिर से रिवर्स होने के बाद फिर से वहां से सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा। सर वीवैप लगाने से कुछ एडिशनल कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन? वीवैप यू कैन पुट, वीवैप के ऊपर है मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो वीवैप से तो पॉजिटिव टेरिटरी में इसी कैंडल पे आ गया था, है ना। अगर वीवैप और 20 EMA का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो वीवैप और 20 EMA का कॉम्बिनेशन भी आपको बोल दिया था ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि 20 EMA का लाइन वीवैप के ऊपर है ना, तो वो कर सकते हो, वो जस्ट वेरिफिकेशन के लिए है। पूरा का पूरा आपको निर्णय क्या है, सीपीआर लेवल से ही लेना है, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, है ना। बहुत सारा चीज़ देखेंगे ना तो फिर एंट्री में दिक्कत होता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है वो, इसीलिए बोलता हूँ जितना मिनिमम हो उतना अच्छा है। सीपीआर लेवल लगा लीजिए, सीपीआर लेवल के साथ कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन चार्ट पे लगा लीजिए, और उसके बाद आपको कन्फर्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एकदम दिख रहा है ना, क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बन रहा है R2 लेवल पे, और R2 लेवल से हमारा टारगेट पहला रहेगा R1 प्रीवियस डे हाई, वो ब्रेक हुआ तो CPR, और वाइस वर्सा। इसमें ये यहाँ पे चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, चार्ट इन द मतलब 47400 का कॉल लगाना था तो ये 600 का कॉल लगा है, सॉरी उसके लिए, है ना। तो जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन रखेंगे ना वो परफेक्ट होना चाहिए, जैसे मान लो 47500 चल रहा है तो 47600 का पी और 47400 का सी, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसका चार्ट लगाना है। जिस समय अगर आप देख रहे हो 47500 है तो 100 पॉइंट अंदर का देख लो, पी मतलब 47500 चल रहा है, 47600 का पी और इधर 47400 का सी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन रखोगे ना वो परफेक्ट काम करेगा। ओके सर, है ना। और आप अगर कुछ नहीं देखना है, कुछ दुनियादारी नहीं देखना है, सिर्फ इसी के ऊपर मास्टरी कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि हो गया, अब कुछ नहीं देखना है, मुझे कुछ देखना ही नहीं है इसके अलावा। आप निर्णय जी, हम सी एंड पी लगा लिए हो तो सी एंड पी के ऊपर फोकस कर दीजिए, उधर पे अगर देखना भी है तो ओवरऑल इंडेक्स में क्या सीनेरियो है वो देखना है तो देख सकते हो, है ना। जैसे डेज ओपन के ऊपर निकला है मतलब ऊपर की ओर वन वे मूव आएगा, मैं कई बार बोलता हूँ ना, डेज ओपन कहाँ है, S1 प्रीवियस डे लो, तो आपको पता है यहाँ से जाना तो ऊपर ही है और बड़ा टारगेट ही मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री अगर होता है डेज ओपन के पास तो बेस्ट एंट्री होता है। आप देखो ना, ये डेज ओपन को जो कैंडल क्रॉस किया है, ये कैंडल में अपर वीक है क्या, ये कैंडल देखो अपर वीक है क्या, एकदम स्ट्रांग कैंडल बना है, कोई अपर वीक नहीं है, मतलब ये कंफर्म था ना कि ऊपर जाएगा। नमस्ते सर। नमस्कार। So, आज तो मैंने ठीक ठाक एंट्री अपना मतलब the green candle is crossing the opening. ओके किसी जगह पर क्या पोजीशन बनता है जी,
Yes, if you will see right here, RSI has moved from 28 RSI to directly 60 RSI. So when you have reached to your first target level, that is CPR level, that time you have to be clear. You must have clarity. It has to consolidate because it has moved from very lower strength to higher strength. So definitely it is going to give some consolidation. After consolidation, again, when it will break with a good angle, SMA, RSI will break SMA with a good angle, that time you can make again entry. Here it was giving clear cut entry for upside, and our next target was R1 previous day high, as per our CPR trick. So basically, ideally, two entry. If you follow the link. Yes, no, three entries are there, and when you can see right here, shooting star candle is there, and two consecutive shooting star candle is there, and when R1 previous day high will be broken with a strong bearish candle, means here you can see in this candle there is no lower wick. Means this is a strong bearish candle. Here you can make, you could make entry for buying put, and your target would be CPR level. CPR. As per CPR trick. Okay. Okay. Three entries was there. Three entries. Understood. Okay, great. Good evening, sir. Good evening. सागर जी बोलिए सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोर्स मैंने देखा चीजें बहुत बेहतरीन लगा मुझे और आपका समझाने का तरीका बहुत बेहतरीन है सर जी इसमें कुछ जो चीजें हैं जो कंफ्यूज हो उसके लिए क्या मुझे मतलब जैसे आपने एक नाम दिया शायद नीरज जी है ना नीरज जी से आप बात कर सकते हैं अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो वहाँ पे फिजिकल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 1-to-1 वहाँ दुर्ग ऑफिस है वहाँ पे जितेश जी क्लास लेते हैं होप आज का सेशन मैं अपने लेवल से एक्सप्लेन कर पाया हूँ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं ठीक है थैंक यू ऑल फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो